It is given in the statement that we have to prove that difference of measures of two sides of triangle is less than measure of third side. So first of all, अभी हम discuss कर चुके हैं कि basically difference के लिए we will take negative sign and for less we will take less symbol. ठीक है, तो ऐसे करते हैं, हम एक triangle draw कर लेते हैं और उस triangle के लिए basically इन results को prove करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए बी सी एक triangle consider करते हैं. It's up to you, आप जो मर्जी स्टेटमेंट यूज करें. ठीक है, मतलब आप ये जो ट्राइंगल है इसको स्केलिन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स अप टू यू, जो मर्जी ट्राइंगल ड्रॉ करें. ठीक है, अच्छा, ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद ना हमारी नेक्स्ट वर्किंग ये होगी कि हमें यहाँ से गिवन लिखना है. तो देखिये, गिवन में मजीद हमें कुछ स्टेटमेंट अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही, जस्ट यही गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी आपने ड्रॉ करनी है. ठीक है, एंड इट कैन बी एनी कैटेगरी. ठीक है, स्केलिन, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल, इनमें से कोई सी भी ले लें आप. ठीक है, अब हमें बेसिकली प्रूव ये करना है कि तीनों साइड्स आप लिखने पहले. ठीक है, ए बी बी सी, तो ये देखिए मैंने ए बी लिखा और फिर बी सी लिखा. ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे ना स्लैशेस नहीं मार्क करनी, ये मैं जस्ट इसलिए यहाँ मार्क कर रही हूँ कि ये वाली ट्राइंगल्स हमने ले ली है. ठीक है, ये वाली साइड्स हमने कंसीडर करनी है. तो आप ऐसा करें, बेस्ट ये होता है सीक्वेंस में ले लिया करें, ए बी बी सी सी ए. ठीक है, तो यहाँ पे ना ए बी बी सी सी ए लिखें, फिर अगेन ए बी बी सी और सी ए लिखने. ठीक है, और फिर एट द एंड आप ए बी यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, ए बी बी सी एंड सी ए. ठीक है, और यहाँ पे आप प्रॉपर प्लस साइन प्लेस कर दें, और सॉरी प्लस नहीं बल्कि माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस वर्ड गिवन है. ठीक है, जब आपको सम गिवन होगा तो आपने सम लेना है, लेकिन अगर डिफरेंस वर्ड गिवन है इसका मतलब है माइनस करना है. और फिर आप देख सकते हैं यहाँ कंडीशन गिवन है, ऑफ अ मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन. इस लेस को देख के आपको आइडिया हो रहा है कि बेसिकली हमने क्या करना होगा, यहाँ लेस का साइन प्लेस करना होगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमने टू प्रूव को कंप्लीट कर लिया है, और टू प्रूव में बेसिकली आपने वही स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी होती हैं जो आपको गिवन होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो नेमिंग है वो जरा करेक्ट कीजिएगा, ऐसा ना हो कि अब वहाँ फिगर में आप लोग ए बी सी पॉइंट ले लें और यहाँ पे पी क्यू आर एस की फॉर्म में ले लें. तो जो ट्राइंगल आप कंसिडर कर रही हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने टू प्रूव में भी लिखना होगा. ठीक है, अब हम मूव करते हैं कि हमने थ्योरम को बेसिकली प्रूव कैसे करना है. उसके लिए कंस्ट्रक्शन का मेन स्टेप होता है, बट इस थ्योरम को हम डायरेक्ट प्रूव करेंगे. बेसिकली ट्राइंगल कि जितने भी थ्योरम्स हमने देखे हैं उनमें हम मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन का स्टेप ले रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन हम सम से रिलेटेड इसी थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे वर्ड सम गिवन था और यहाँ पे ग्रेटर साइन गिवन था, तो उसी थ्योरम के रिजल्ट को हमने यूज करना है, इसलिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले यहाँ पे हम दो चीजें कंसिडर करते हैं, उनमें सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हमें यहाँ पे सेपरेशन कंसिडर करनी चाहिए. एक साइड पे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और दूसरी साइड पे हम रीजंस लिखते हैं. ठीक है, अब देखिए हम थ्योरम प्रूव कर चुके हैं फॉर ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, हमें कंफर्म है कि दो साइड्स का सम, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं ए बी और बी सी का सम लेते हैं. ठीक है, तो ए बी और बी सी का सम ग्रेटर है मेजरमेंट एंगल ए सी से. ठीक है, और हम ये रिजल्ट क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ रीजन लिख देते हैं, फॉर एनी ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. ठीक है, मतलब हमने बेसिकली ये रिजल्ट यूज किया है थ्योरम का. अच्छा, अगर हम ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं ना, तो बेसिकली देखें कि हम दोनों साइड से ना, जैसे इधर ए बी और बी सी मतलब इस फॉर्म में गिवन है ना, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बी सी को इसी साइड रहने देते हैं और आप ए बी को दूसरी साइड मूव कर दें. ठीक है, जैसे हम सिंपल अलजेब्रा में टर्म्स को मूव कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह मैंने ए बी को दूसरी साइड मूव कर लिया. अच्छा, ए बी को अब जब आपने दूसरी साइड मूव किया है ना, आप क्या करें कि बेसिकली हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर ए लेस है बी से देन बी विल बी ग्रेटर देन ए. ठीक है, मतलब ए लेस बी लिखें या बी ग्रेटर देन ए लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है. तो फिर ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें आप ए सी और ए बी आप पहले लिख लें और उसके बाद फिर आप ऐसा करें कि यहाँ पे लेस का साइन यूज करके मेजरमेंट बी सी लिख दें. ठीक है, अब देखें
अगर ए सी माइनस ए बी लेस है बी सी से, तो आपको याद होगा कि थ्योरम के स्टेटमेंट में हमने यही रिजल्ट प्रूव करना था, ठीक है। मतलब जो तीन बेसिक रिजल्ट प्रूव करने थे, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए बी माइनस ए सी इज लेस देन बी सी, ठीक है। फिर आप यहाँ लिख लें कि ए बी ए सी और बी सी लिख लें, और फिर लास्ट वन ए बी यहाँ लिख लें और बी सी और ए सी लिख लें, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमने ये तीन रिजल्ट प्रूव करने हैं ना, ये तीनों रिजल्ट होल्ड करने चाहिए फॉर एनी ट्राइंगल। तो एक रिजल्ट तो हमने ये प्रूव कर लिया ए सी माइनस ए बी इज लेस देन बी सी, लेकिन जो बाकी दोनों रिजल्ट्स हैं उनको सिमिलरली करके लिख लेते हैं, ठीक है। साथ ही आप लिख लें सिमिलरली जो बाकी दो इन इक्वालिटीज हैं साइड्स के लिए, वो भी कन्फर्म है, होल्ड करेंगे, और उनको आप लिख लें कि मेजरमेंट बी सी माइनस मेजरमेंट ए बी इज लेस देन मेजरमेंट ए सी, ठीक है। और साथ ही मेजर जो थर्ड रिजल्ट है मेजरमेंट ए सी इज लेस देन मेजरमेंट ए बी, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट आप लिख दें कि रीजन इज दैट दीज आर सिमिलर टू वन, ठीक है। और इसको अपनी आसानी के लिए वन मार्क कर दें, क्योंकि अगर आप वन का रेफरेंस दे रहे हैं ना, तो बेसिकली जैसे आपने वन को प्रूव किया ना, बिल्कुल मतलब आप यही वाला सारा प्रोसीजर यूज करके ये जो दो इनइक्वालिटीज हैं उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है लिख देते हैं कि रीजन सिमिलर टू टू, मतलब अभी तो फिलहाल आपने बाय चांस खुद ही ए बी और बी सी को कंसिडर किया है ना, लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई सी भी साइड कंसिडर करते, ठीक है, जैसे बी सी और ए सी कंसिडर कर लेते, तो वो ए बी से ग्रेटर होते, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर आप जो थर्ड और सेकंड रिजल्ट है वो भी डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी थ्योरम्स में दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा रिजल्ट सिमिलर आ रहे हों, तो उनको फिर अगेन प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम यही रीज़न लिख रहे होते हैं कि वी कैन सिमिलरली प्रूव द स्टेटमेंट बाई यूजिंग द सेम प्रोसीजर।